ये हॉस्पिटल है, इसका जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका जो पाथरशिला रखने के लिए मैं आज आया हूँ। इसमें राज्य सरकार के पैसे से कम्प्लीटली स्टेट बजट से ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा और साथ ही साथ इस हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए 28 करोड़ का मुझे जो एसडीसी का जो प्रधान व्यक्ति सीएम उनके लेटर में मिचू मिली है और हमने 28 के बदले में 30 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया है और इसमें 150 बेडेड हॉस्पिटल बनाए और जो भी इक्विपमेंट हो अत्याधुनिक उसको खरीदे, उसको डेवलप करे और लोगों के जो जनजाति भाई बहन हैं इनके सेवा में ये काम पे लगे और इस दिशा में हमने आज ही 30 करोड़ का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ पूरे राज्य भर एक कोविड स्थिति में हम लोग जो हर 7 लाख परिवार के पास खाना पहुंचाने के लिए 70 करोड़ रुपया खर्चा करके उनके पास 80 करोड़ रुपया खर्चा करके इनके पास वो खाना पहुंचाने की व्यवस्था उसकी तरफ से कर रहे हैं और 70 करोड़ 7 लाख परिवारों को 1000 रुपये करके डीबीटी के माध्यम में ट्रांसफ़र होगी, इसमें नीडी फैमिली रहेगी और मनरेगा के माध्यम से 332 करोड़ रुपये का काम हम देंगे लोगों को, पैसा मिले लोगों के हाथ में रहे। उसके साथ साथ जो सोशल पेंशन मिलते हैं 4 लाख के ऊपर, इनका 2 महीने का जो पेंशन एक साथ 2000 रुपये उनके अकाउंट में दे दी जाएगी और 1000 रुपये अलग उनके पास डीबीटी में आएगी, खाने का जो सामान अलग से उनके पास पहुंच जाएगी और साथ ही साथ जो शहर में गरीब है इनके लिए भी 24 करोड़ रुपये का जो प्रावधान हमने रखा है और ये सब कुल मिला के 579 करोड़ का जो पैकेज है ये पूरे त्रिपुरा राज्य में कोविड परिस्थिति में लोगों के हित में काम आएगी, यह हम लोगों का पूरा विश्वास है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कोविड परिस्थिति में जो जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश भर में काम किया है त्रिपुरा में भी उस तरीके से काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन में हम लोग पूरे देश में 1 पे है, 28% हो चुकी है और साथ ही साथ जो जल्दी से जल्दी कोविड से कैसे मुकाबला करके हमको निकलना है उस रास्ते में त्रिपुरा सरकार काम कर रही है। मैं जनता का साथ चाहता हूँ, वो जनता का आशीर्वाद चाहता हूँ, मुझे विश्वास है जनता उसी दिशा में काम करेगी क्योंकि पहला जो ढेव आई थी त्रिपुरा में कोविड 1 में त्रिपुरा की जनता ने साबित कर दिया त्रिपुरा की जनता जागरूकता के साथ मुकाबला करना चाहती है।